ये है कैची धाम। यहाँ पर लोग देश विदेश से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। एक झलक मेरे YouTube चैनल द्वारा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि मज़े पे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ बाबा नीम गुरुली का आश्रम पे। तो मिलते हैं आपसे बाबा नीम गुरुली के आश्रम पे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं दो पाकी नवदुर्गा मंदिर पर। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर 40 साल पहले बना हुआ है, मेरे सामने बना है ये मंदिर। माँ नवदुर्गे का यहाँ पर प्रतिमा है। जय माँ दुर्गे, जय जय माँ दुर्गे, मैं ये रक्षा करना। यहाँ आप नीचे खाई देख रहे होंगे, ये कम से कम 1000 फीट से भी ऊंची खाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे। तो यहाँ पर एक फिर ये मंदिर की स्थापना की गई, जिससे एक इंडिकेट हो जाता है कि मंदिर आ गया, आराम से रुक करके चलें। तो यहाँ पर से काफ़ी गाड़ियाँ रुक गिरी हैं, ट्रक गिरे हैं और काफ़ी मौतें हुई यहाँ पर, तो तब ये मंदिर बना। और फिर तभी से आज तक कोई भी यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, ये रहा हमारा शारदेवी मंदिर। ये देवी थान है यहाँ पर। तो आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो मंदिरों में भीड़ भाड़ कम है, बस नवरात्र आने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ कैची धाम। ये रहा साई कुटिया, ये साईं बाबा का आश्रम है यहाँ पर तल्ला निंगलाट पर। अब मैं निकलता हूँ ऊपर कैची धाम। तो फ्रेंड्स, ये कैंची की मार्केट है छोटी सी। तो हम पहुंचते हैं बाबा नीम गुरोली के आश्रम में। जय बाबा नीम गुरोली, जय बाबा नीम गुरोली। सुबह के 8:30 बजे का ये नज़ारा है। ये सामने मारुति होम स्टे करके भी है। और अब हम चलते हैं मंदिर पे मत्था टेकने के लिए। जय सतगुरु महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है, जबकि सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो श्रद्धालु जो हैं सुबह ही पहुंच चुके हैं। पितृपक्ष होने के बावजूद भी काफ़ी भीड़ है मंदिरों में। फिर ये तो वैसे भी चमत्कारी मंदिर है अपना, श्रद्धे बाबा नीम गुरोली महाराज का ये मंदिर। जय बाबा की, जय बाबा नीम गुरोली महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, ये नज़ारा है सुबह 8 बजे का कैंची धाम का नज़ारा। ये सिपरा नदी, उत्तर वाहनी गंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ आ रही है। ऐसा है कि मैं भी ज़रा मत्था टेक करके आता हूँ, क्योंकि अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं। तो ऐसा है कि अब हम भी चलते हैं, ज़रा अंदर जाते हैं, मत्था टेक करके आते हैं, ठीक है? बोलो नीम गुरोली महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ अंदर, फिर बाहर से दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये नज़ारा है बाहर से मंदिर का। सामने जो व्हाइट वाला जो मंदिर है आप देख रहे होंगे, तो रोड से ही दिखाई देते हैं महाराज। हम तो जब कभी चलते फिरते यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये रहा नीम गुरोली महाराज का कैंची धाम मंदिर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना यार। ये रही नींबू पानी सोडा सिकंजी की दुकान मेरे फ्रेंड्स की, और वाकई में लाजवाब सोडा सिकंजी, कोई तोड़ नहीं है। ये आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं का बिल्कुल ताज़ा लगा हुआ है प्रसाद खरीदने के लिए, और यहीं से प्रसाद लेकर के। और ये देखिए, आपको यहाँ पर बाबा जी की फ़ोटो, लॉकेट,
सब कुछ मिल जाएंगे। ये है नज़ारा अभी हमारे कैंची धाम का। आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है प्रसाद लेने वालों की। बिल्कुल हमसे तो बात करने का समय नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये नज़ारा है अभी हमारे आराध्य गुरुदेव बाबा नीमकरौली के दरबार का। तो फ्रेंड्स, हम भी बैठे हुए हैं बाबा के आश्रम में। तो पीछे मंदिर है, तो ये मेरे फ्रेंड की दुकान है। तो फ्रेंड्स की दुकान में बैठा हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर में हल्द्वानी को निकलना है मुझे, क्योंकि हल्द्वानी भी कुछ काम है। लेकिन काफ़ी भीड़ है अब, वो पहले जैसा कैंची नहीं रहा, क्योंकि पहले बड़ी मतलब शांति थी, सुकून था। हाँ, लेकिन मंदिर के अंदर तो फिर वही मेंटल पीस होने वाला, वही काफ़ी सुकून मिलता है मंदिर के अंदर जा कर के। तो अभी मैं भी बैठा हुआ हूँ, अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ। अभी ऊपर भाभी से भी मिल करके आऊँगा, ठीक है, बने रहेगा वीडियो पे। ये हैं मिनी महाराज हमारे, मिनी महाराज मिलती है ना सकल, काफ़ी मिलती है ना नीमकरौली महाराज से। कल भी हम बहुत मिला रहे थे। तो ये हैं हमारे बड़े भाई साहब विनोद तिवारी जी, जो कैंची मंदिर में ही प्रसाद का काम करते हैं। तो बाबा जी की बड़ी कृपा है इनके ऊपर। पहले ऊपर रेस्टोरेंट चलाया करते थे, तो अब काफ़ी भीड़ भाड़ हो गई, तो ऐसा है शांति वाला काम इन्होंने पकड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ भाभी से मिलने के लिए, और ये भाभी का होटल बन रहा है, होटल के साथ घर भी बन रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, के हरी हाल चाल, सब ठीक छन? तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि भाभी कल दाल लेकर के आई और तुरंत भिगा भिगू करके ये बनाने भी लग गई है। कैरी कल इन्होंने शाम बड़ी बना दी थी करी कैरी, तो अभी मैंने दाल है, और ये ज़्यादा भीग गई तो थोड़ी सी बचा करके रखी है करी कैरी है। चलो, तो ये भी सही है। तो ये है कारोबार भाभी का। बाकी होटल बन रहा, मैंने नीचे को दिखाते हुए ला रहा था, देखा होगा आपने पहले से ना, कम से कम 20 साल पहले की बात होगी, 20 साल पहले की बात होगी, 20-23 साल, हाँ जो भी था। तो मैं रहता यहीं था, ये यहाँ पर अब तो बिल्डिंग बन गई। तो एक बहुत पुराने ज़माने का एक घर हुआ करता था। तो भाभी ने हमें बहुत मतलब अब मैं क्या कहूँ, मैं मेरा घर ही है ये लगा लो, इतना मतलब अच्छा मानने वाले हुए। और ये है कि क्या कहते, यहीं रहने वाला हो, यहीं खाया पिया पड़े रहे, कोई चक्कर नहीं, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी घूमने के लिए चले गए। तो उस टाइम में यूट्यूब का ऐसा कुछ था नहीं, ये तो अगर उस टाइम का यूट्यूब का होता, आज तो हमारे जो सब्सक्राइबर होते मिलियन में होते। तो चलो कोई नहीं, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। क्यों, अब मैं भी निकलता हूँ हल्द्वानी को, एक्चुअली हल्द्वानी कुछ काम है। हल्द्वानी काम क्या है, हल्द्वानी का ब्लॉग तो डालूंगा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो यार, हॉस्पिटल के ब्लॉग मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, फिर हर कोई इग्नोर करता है यार। उन्होंने कहा यार हॉस्पिटल यार क्या, देखते हैं बाकी जो भी होगा। ठीक है, निकले यहाँ से हल्द्वानी को, बाय बाय। तो फ्रेंड से ऐसा है, मैं पहुँच गया हूँ, हल्द्वानी पहुँचने वाला हूँ, मतलब ये रानी बाग अमृतपुर के पास हूँ। तो ये है कि मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।